जी बिल्कुल, इंडिया की 1.25 अरब आबादी ने पाकिस्तान का टमाटर रोक के एक नीच हरकत की है। हम जब उनसे टमाटर मांग रहे थे तो उन्होंने हम पे बम ड्रॉप कर दिए, और जब हम दूध मांग रहे थे तो हमें खीर दे देते हैं। मतलब हम मांगते कुछ और हैं और वो हमें दे कुछ और देते हैं। मतलब तौबा तौबा का मकाम है ये, तौबा तौबा का मकाम है। उन्हें लगता है कि पाकिस्तान जो है बिना टमाटर के जिंदा नहीं रह सकते। तो मैं इंडिया के लोगों को बता देना चाहता हूं कि हम पाकिस्तान के लोग हैं, हम गाली खा के भी जिंदा रह सकते हैं, 50 साल से रह रहे हैं। और ये तौबा तौबा का मकान है और तौबा तौबा की दुकान है। नीचे दुकान है, ऊपर गोरी का मकान है। और मैं बता दे रहा हूँ, इंडिया के लोगों को बता रहा हूँ कि हम जिनपिंग फूफा जान से टमाटर मंगा रहे हैं और फिर हम मोदी से और राहुल से टमाटर नहीं मांगेंगे। और मैं इंडिया के लोगों को बता देना चाहता हूँ, इंडिया की मीडिया को बता देना चाहता हूँ कि हमने जो टमाटर जो मतलब एटम बम जो बनाए हैं वो हमने ड्राइंग रूम में सजाने के लिए नहीं बनाए हैं, हमने सिर्फ और सिर्फ इंडिया के लिए बनाए हैं। और इंडिया के लिए बता देता हूँ कि एक बार हमारा एटम बम वेल्डिंग होके आ जाए हनीफ की दुकान से और हमारी मिसाइल में पेट्रोल का जुगाड़ हो जाए, फिर देखो हम बता देंगे इंडिया को और इंडिया की 1.25 अरब आबादी को। इंडिया वालों ने समझ लिया कि हम टमाटर के बिना जिंदा नहीं रह सकते। दही जो है वो टमाटर का मुतबादिल है, मतलब के सब्स्टिट्यूट है। बस एक बार हमें कहीं से दूध मिल जाए फिर हम उसको जमा के दही बना लेंगे। पर इंडिया से हम दूध मांगेंगे तो वो हमें खीर दे देगा, इसलिए हम दूध भी जिनपिंग फूफा जान से ही मांगेंगे। और फिर पाकिस्तान जो है वो खुद इंडिया को एक्सपोर्ट करेगा टमाटर, इसके लिए हमने अभी से टमाटर बोने शुरू कर दिए हैं। और जब हमारे पास एक टोकरी टमाटर हो जाएंगे तो फिर हम इन्हें भी बो देंगे, और फिर उसके बाद एक टोकरी से हमारे पास एक ट्रक टमाटर हो जाएंगे, फिर एक ट्रक से हमारे पास 100 ट्रक हो जाएंगे, फिर हम पूरे वर्ल्ड को, पूरे इंडिया को क्या, हम पूरे वर्ल्ड को टमाटर एक्सपोर्ट करेंगे। और फिर टमाटर ही टमाटर होंगे, इतना इतना टमाटर कहीं नहीं होगा। ये तौबा तौबा का मकाम है। हिंदुस्तान के मीडिया, हिंदुस्तान के लोगों, हिंदुस्तान के शहरियों, डरो उस वक्त से जब हमारे पबजी वाले प्लेयर रॉकेट लॉन्चर मारेंगे, ग्रेनेड फेंक फेंक के मारेंगे और कहीं का नहीं छोड़ेंगे। तो हिंदुस्तान के 1.25 अरब लोगों को मैं बोल रहा हूँ, सब खड़े हो जाओ और डरो, भूखे नंगे लोगों से डरो, क्योंकि उनकी हालत सबसे ज्यादा बुरी होती है। हमारा जैसा हाल हो जाएगा, इसलिए मैं बोल रहा हूँ तौबा तौबा का मकाम है। तुम लोग भी तौबा तौबा करो, मैं भी तौबा तौबा कर रहा हूँ, हम सब 6 बार तौबा तौबा करेंगे।